क्वेश्चन नंबर 22। चलिए लिखेंगे, कंपटीशन वगैरह लिख लो। सैलरी, सैलरी आ जाएगा आपका। सैलरी कितना दिया है? 11,000 रुपये पर मंथ। तो 11,000 × 12, 11,000 × 12 करो कितना आता है? 11,000 × 12, 1,32,000, 1,32,000। ठीक है। उसके बाद द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिज अकोमोडेशन फॉर विच 10% ऑफ द हिज सैलरी इज डिडक्टेबल। तो वो अकोमोडेशन में आ जाएगा, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इसको बाद में निकाल लेंगे। आगे पढ़ो। एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर अकोमोडेशन इज 54,000। ही इज ऑल्सो रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलायंस। एंटरटेनमेंट अलायंस को पहले लिख लो, जो ताम झाम है ना उसको बाद में किया करना। पहले ऐसे पढ़ के ना, जो जो सिंपल है उसके लिख लो। एंटरटेनमेंट अलायंस 500 पर मंथ, 12×5 = 60, 6,000 रुपए। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलायंस के लिए आगे कार के बारे में बोला हुआ है, तो कार को भी लिख लो। कार भी इजी है, बड़ा कार है, 900 × 12। तो 900 × 12 10,800। फिर उसके बाद कार के बाद क्या दिया हुआ है? मेंबर ऑफ द एसएससी विजिट करके बता रहा है, तो ट्रांसपोर्ट उसको 7,200 का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल रहा है उसके मेंबर को। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ जाएगा 7,200। ठीक है, 7,200 का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल गया और उसको बोनस भी मिल रहा है। तो बोनस 2 मंथ का सैलरी मिल रहा है, 11×2 = 22,000 रुपए बोनस हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो RPF रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी क्या होगा? तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का सैलरी होगा 1,32,000। और क्या क्या लिखे हैं देखो, तो सारे चीज को प्लस कर दो पूरे। 60,000 है कि 6,000 है? 1,32,000 प्लस 6,000 प्लस बोनस आ जाएगा 22,000। सैलरी में बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस, ठीक है, तो कितना आ गया? 1,32,000 प्लस 22,000 प्लस 6,000। ठीक है, 3 चीजें आप लेंगे, कार और ट्रांसपोर्ट इसको नहीं लेंगे ना। इन लोग वो है आपका सैलरी निकालने के लिए, ये आ जाएगा सैलरी, एंटरटेनमेंट अलायंस और बोनस, ये दोनों परक्विजिट है। परक्विजिट को छोड़ के सारे चीज लेते हैं। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में उसका अमाउंट आ रहा है सैलरी के निकालने के लिए 1,60,000। 1,60,000 का 15% कितना होता है? 24,000। 1,60,000 का 15% कितना होता है? 24,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए क्या बोला है? घर खुद का नहीं है ना, किराए पे है ना। ही इज आल्सो द कंपनी हैज प्रोवाइड विद अकोमोडेशन फॉर विच 10% ऑफ हिज सैलरी इज डिडक्टेड। एक्चुअल पेड रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द अकोमोडेशन इज 54,000 पर एनम। तो भाई वो कितना पेड कर रहा है वो नहीं पता, सैलरी का 15% निकालते हैं तो 24,000। और 24,000 में एसईसी कितना दे रहा है? एसईसी कितना दे रहा है बोला है? ही इज आल्सो रिसीविंग एंड, अच्छा, 10% ऑफ सैलरी को डिडक्ट कर देता है बोल रहा है। तो 10% ऑफ सैलरी को डिडक्ट कर देता है एम्प्लॉय का। 15% ऑफ सैलरी 24,000 निकाले, लेस पेड बाय द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का सैलरी कितना आ रहा है? एम्प्लॉय का सैलरी कितना है? 1,32,000 का 10% को माइनस कर दो। रेंट फ्री एकोमोडेशन 24,000 माइनस एम्प्लॉय पेड 1,32,000 का 13,200। तो जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 10,800। 10,800 प्लस करने के बाद जो आएगा कितना आएगा? 1,32,000 प्लस 6,000 प्लस 10,800 प्लस 7,200 प्लस 22,000
प्लस 10,800 ग्रॉस सैलरी आ गया 1,888,000 माइनस एसडी, एसडी आ जाएगा 50,000, तो 50,000 माइनस कर देंगे तो माइनस 50,000 करने से आंसर आ रहा है 1,38,800। हाँ हो गया तुम्हारा, चलो कंप्लीट, 22 का कंप्लीट हो गया है। शाम को 7 बजे हो सकता है तो मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है? शाम को 7 बजे मेरा हो सके तो मैं क्लास लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, कंप्लीट करना है।